वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो बहुत दिन से एक रिक्वेस्ट आ रही थी और इस रिक्वेस्ट को पूरा करते करते थोड़ा टाइम हो गया है और मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे थे सुगम कि हम अपनी स्किन के लिए क्या करें, वो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, क्या करें जिससे कि स्किन शाइन करे। दिस इज़ माई ओरिजिनल स्किन। यहाँ पे मैंने इवन मैंने फेस वॉश भी नहीं किया है। अभी जस्ट मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का 7 बज रहा है, तो कुछ भी नहीं किया है, फेस वॉश भी नहीं किया है। दिस इज़ माई ओरिजिनल स्किन। तो जो मैंने नाइट स्किन केयर रूटीन करके ही मैं लेटी थी, नाइट स्किन केयर रूटीन करके लेटी थी, दिस इज़ वो यही है। उसके बाद मैंने कोई भी फेस वॉश नहीं किया, इवन ब्रश भी नहीं किया है अभी। तो मेरा मॉर्निंग का जो फर्स्ट चीज़ होती है, आज मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी कि ये चीज़ अगर आप रेगुलर बेसिस पे करोगे अकॉर्डिंग टू मी, और ये प्यूरी तरह से नेचुरल है, मैं बोलूँ तो हर स्किन टाइप के लोग इसे कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि आप ऑयली नहीं कर सकते, नॉर्मल नहीं कर सकते। इवन मेरी तो सुपर ड्राई स्किन है तो मैं कर सकती हूँ, ऑयली वाले भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। इवन आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हो। मेरे लिए सूटेबल नहाने से पहले होता है, बिकॉज उसके बाद फिर मेरे और काम स्टार्ट हो जाते हैं, मैं और चीज़ें नहीं कर सकती। लेकिन आपके पास दिन में कभी भी टाइम हो, नाइट में टाइम हो, आपके पास दोपहर में टाइम हो, आप कभी भी कर सकते हो। अब दोपहर में नहाते हो, दोपहर में नहाने से पहले कर सकते हो और पूरी तरह से नेचुरल है। इवन मैं बोलूँ तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी है, जो आपकी स्किन को लाइटन भी करेगी, यानी हल्का सा एक टोन आपको बढ़ा के ही देगी, स्किन काफ़ी शाइन करेगी, ग्लो करेगी। तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरा वो पेस्ट है जो मैं हर नहाने से पहले लगाती हूँ, और मैं आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बता दे रही हूँ। वो जो लाल वाली दाल नहीं आती है, आपको वो लाल वाली दाल लेनी है, होगा तो मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। लाल वाली दाल लेनी है, उसको आप मिक्सी में पीस के एक कंटेनर में रख लीजिए और थोड़ा सा महीन पीसेगा, ना महीन पीसे तो आपको फिर ये रात में भिगोना पड़ेगा, वैसे मैंने तो काफ़ी महीन पीस लिया है। उसके बाद जो रॉ मिल्क होता है यानी कच्चा मिल्क, वो आपको डाल के इसे 5 to 10-15 मिनट ऐसे ही रख देना है, तो ये ऐसा पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपको ये पेस्ट रेडी करना है, कुछ भी और ज़रूरत नहीं है। स्किन आप सच में एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, 1 week आप ट्राई करिएगा, फर्स्ट वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि कितना ज़्यादा अच्छा है। और एक बार के एप्लीकेशन में आपको ये पता चलेगा। इसका लगाने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। इवन आपके चेहरे पे बाल भी रहते हैं, वो भी जाएंगे, बिकॉज आप इसे थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में थोड़ी देर मसाज करोगे तो उससे भी ये हटेंगे। साथ ही साथ आपके बहुत ही जल्दी, मैं बोलूँ तो, जो झुर्रियाँ हैं वो नहीं होंगी, बिकॉज आप डेली बेसिस पे अपने फेस को मसाज कर रहे हो बहुत लाइट हैंड से, और मैं शाइन तो बहुत आएगी बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी तेज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे लगाती हूँ, बिकॉज मेरा तो ये मॉर्निंग रूटीन है ये, और ये मॉर्निंग रूटीन मैं डेली बेसिस पे करती हूँ। थोड़ा सा गाढ़ा ही रखिएगा, इवन अगर आपकी यहाँ की स्किन बहुत ब्लैक है और कहीं भी स्किन आपका ब्लैक है तो आप रेगुलर बेसिस पर ये लगाओगे तो ये काफ़ी इफेक्टिव है, ट्राई जरूर करिएगा। तो मैंने ये फेस पे लगा लिया है, इसके बाद मैं और सारे अपने काम करूँगी, जो भी जैसे कि जो भी काम है आपको वो करिए। जैसे मैं फटाक से पहले तो अपना मॉर्निंग ड्रिंक पीने जा रही हूँ, वो पीऊँगी, देन उसके बाद मतलब इतना करते करते 10 to 15 मिनट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ कि 10 to 15 मिनट बाद आपको क्या करना है। सो आफ्टर 15 मिनट ये देखिए सूख गया, मुझे बोलने में भी इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है, ये देखिए पूरी तरह से। अब आपको इसे सर्कुलर मोशन में रब करके निकालना है, ऐसे नहीं करना है वरना आपके जो चीक्स हैं वो लटक जाएंगे, आपको सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ करना है। तो फटाफट मैं इसे रब करके निकाल रही हूँ।
तो ये देखिए ये पूरी तरह से निकल गया है। और अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल फेस को वॉश करेंगे। जिस भी फेस वॉश को आप यूज़ करते हैं, आप उस फेस वॉश को यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं मोस्टली जो है डव सोप ही यूज़ करती हूँ। बहुत ही माइल्ड होता है और मेरी स्किन को सूट करता है, तो मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। प्रोसेस बहुत ध्यान से देखिएगा, तभी आपको इसका अच्छा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और मैं बहुत जल्दी आपसे अपनी नाइट स्किन केयर रूटीन भी शेयर करूंगी। देन उसके बाद कोई भी फेस पैक आपको यूज़ करना है, मेरे पास सारे फेस पैक इस समय ख़त्म हो गया, सिर्फ एरोमा का डिटेन फेस पैक ही पड़ा हुआ है, तो मैं यही यूज़ करूँगी। आप कोई भी यूज़ कर सो, इट्स नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, कि मैं कोई प्रमोशनल वीडियो कर रही हूँ। ना हो तो आप मुल्तानी मिट्टी भी यूज़ कर सकते हो। तो इसको सूखने के बाद जस्ट आप नहा लीजिए, या जो भी, या फिर आप नहा चुके हैं तो इसको अच्छे से वॉश करने के बाद आप कोई भी जो मॉइस्चराइजर लगाते हो वो लगा लीजिए। जैसे स्पेशली मैं गुलाब जल ग्लिसरीन या नींबू लगाती हूँ, जो मुझे रेगुलर फॉलोवर है उन्हें पता है। तो ये आपका मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होगा, जो कि आपकी स्किन को काफ़ी फ्रेश रखेगा और एक स्किन लाइट टोन करेगा, बिकॉज इसमें रॉ मिल्क है जो कि ब्लीचिंग का काम करता है। सो इस तरह से आप अपनी स्किन रूटीन करिए, और मैं नाइट स्किन केयर रूटीन बहुत ही जल्दी अपलोड करूंगी। तो वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।